यस सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अल्टीमेट सीए प्लेटफॉर्म। एंड दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी जुड़ी हुई है जिनका नाम है अंश हेमरजानी। ठीक है ना, ये अंबरनाथ करेक्ट महाराष्ट्र से हैं और इन्होंने जो है सीए इंटर नवंबर 2023 में बोथ ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है ना, और इसके साथ साथ इन्होंने जो है FMEFF पेपर जो होता है इसमें इन्होंने 86 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो यार, सबसे पहले हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस अंश। एंड मुझे मुझे सबसे पहले बताइए कि आपने जब सबसे पहले जब रिजल्ट देखा तो कैसी फीलिंग थी आपकी, और क्या आपने इतना एक्सपेक्ट किया था कि इतने ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, मतलब 536 जो है मैं स्कोर कर लूँगा 800 में से, बताइए। फर्स्टली सर, थैंक यू फॉर एन लवली इंट्रोडक्शन। तो आपने जैसे पूछा कि रिजल्ट देखते टाइम रिएक्शन क्या था, तो पहले तो मैं 2-3 बार तो रोल नंबर या अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ही रॉन्ग अपलोड किया, तो वो लोड ही नहीं हो रहा था। अच्छा। तो नेचुरली थोड़ा हार्ड शेक हो रहा था, क्योंकि मैं जब रिजल्ट देखा तो अचानक मेरे एक फ्रेंड को कॉल आया कि वो लाइक मेरा नहीं हुआ, तो थोड़ा ऐसे अपने रिजल्ट का भी थोड़ा लगता था कि वो भाई अपना क्या होगा अभी। तो थर्ड टाइम में डाला और मम्मी पापा भी ऐसे रुके, तो आप वो इंटेंस फीलिंग समझ रहे हो, पूरा क्लाइमैक्स, मूवी के क्लाइमैक्स जैसा एकदम एकदम। और वो मम्मी सबमिट बटन दबा रही है, क्योंकि मम्मी ने बोला था मैं ही रिजल्ट ओपन करूंगी। तो बस फिर थर्ड टाइम ओपन किया तो आया, पहले तो मैंने ऑडिट और टैक्स देखा, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट मेरे को बहुत डाउट था। ओके ओके। और फिर पास देखा, मैंने 3 बार देखा कि हाँ पास है ना, पास है ना, 2 बार देखा, 2-3 बार देखा कि भाई वो यार दोनों ग्रुप हाँ ठीक है। मैं मेरे को बाकी सब्जेक्ट्स का कॉन्फिडेंस था, क्योंकि जो एग्जाम जो हिसाब से एग्जाम किया था ना, इट वॉज डिसेंट, बट ऑडिट और टैक्स वॉज लाइक कि भाई थोड़ा चांस है ऊपर नीचे होने का, तो पहले तो वो दो सब्जेक्ट ही देखे। और एक्सपेक्टेशन था, मतलब ऑब्वियसली, मतलब डे वन से मेहनत किया था, थोड़ा एक्सपेक्टेशन तो था इतना मार्क्स लाना चाहिए, मतलब एक एक्सपेक्टेशन खुद से ही बन जाता ना कि इतना मेहनत किया भाई इतना तो स्कोर कर ही सकता था, मतलब ये स्कोर का एक्सपेक्टेशन था और चाहिए भी था, मतलब एम किया था कि आना चाहिए, डिसेंट स्कोर आना चाहिए। तो हम आज बात करने वाले आपके साइज स्ट्रेटजी के बारे में। मैं सबको बताना चाहूँगा कि अंश जो है इसने सीए फाउंडेशन में भी है ना, सीए फाउंडेशन एग्जाम्स भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, और अभी सीए इंटर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, तो अब इनका रिकॉर्ड ये बनाने वाले कि फाइनल भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करेंगे, करेक्ट अंश? चलो बहुत बढ़िया यार। तो सबसे पहले यार मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है ना रिजल्ट जो है कुछ 9.7% के आसपास आया है बोथ ग्रुप का, ठीक है ना। तो आप जो है इंडिया के टॉप 10% स्टूडेंट्स में से हैं, तो सबसे पहले आप ये बात समझो कि अपने आप में कितनी ज़्यादा बड़ी बात है, ठीक है। और साथ ही साथ कि ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ मतलब 400 मार्क ला लिए, 415 ला लिए, 536, ये बहुत बड़ा स्कोर है, बहुत ह्यूज स्कोर है, ठीक है। मैं सबको बताना चाहूँगा कि जो AIR 50 है ना, मतलब जो लास्ट रैंक होता है, टोटल 50 रैंक्स इशू करता है इंस्टीट्यूट, तो AIR 50 को अप्रॉक्सीमेटली 579 के आसपास कुछ आए हैं मार्क्स, ठीक है। तो 30-35 मार्क्स रह गया है ना, वैसे सीए में 30-35 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी 536 बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोर है। मैं सबसे पहले ना आपकी स्ट्रैटेजी मैं जानना चाहूँगा कि आप एक बार मुझे ना, चूंकि हम आज का ये सेशन ज़्यादातर मुझे ना FMEFF के बारे में बनाना है, तो हम पहले FMEFF की बात करते हैं और फिर हम जो है ना ओवरऑल स्ट्रैटेजी पे भी जाएंगे। तो आपका FMEFF की जर्नी एक बार आप अगर बता सके कि आपने क्लासेस कहाँ से की एंड कैसे आपने प्रिपरेशन किया, ठीक है ना, सो प्लीज़ बताइए। और सर, मैंने FMEFF ऑब्वियसली आपसे पढ़ा, पेड प्लेटफॉर्म से पढ़ा मैंने। मेरा कॉस्टिंग सब्जेक्ट मैंने स्टार्टिंग से ही थोड़ा फेज्ड अप रखा था, मैंने वो कंप्लीट कर लिया था पहले ही, तो मेरे को टाइम मिल गया। तो मेरे को अभी था कि फर्स्ट ग्रुप के 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं, कॉस्टिंग डन है, तो अभी नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा उठा सकते हैं, तो एडवांस अकाउंट्स और FMEFF को ही एक सेफ ऑप्शन रहता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं थे और इनिशियली वो डाउट था ना कि न्यू सिलेबस आएगा नहीं आएगा। तो FMEFF को आपके May 23 के लेक्चर से किए, क्योंकि अगर चेंज होता भी तो थोड़ा बहुत होता था, मैंने 6 मंथ पहले वाले लेक्चर फ्रेश ही होता है, इतना चेंज नहीं होता है, उससे FMEFF स्टार्ट कर दिया था। AFF के मुझे आ रहे 34 समथिंग लेक्चर थे और FM के भी 40 समथिंग थे और वर्किंग कैपिटल अलग, तो मैंने FMEFF आपसे स्टार्ट किया, जैसे जैसे आपने बताया आपके नोट्स बनाए एंड फिर प्रॉब्लम्स जो थे मोस्टली मॉड्यूल के रहते, एंड वो एक बार सिलेबस खत्म हो गया तो एक और बार मॉड्यूल ही प्रैक्टिस किया, मतलब आपके जो नोट्स रहते मॉड्यूल बेस्ड ही रहते हैं ना, ऑब्वियसली मॉड्यूल आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा रहता था कि देखिए तो बोर नहीं होता था, तो आपने जो प्रॉब्लम्स क्लास में कराए वो तो क्लास में हो जाते थे, फिर होमवर्क जो देते थे आप वो कंप्लीट कर दिया, फिर जब रिवीजन का टाइम आया तो पहले तो जो मॉड्यूल वाले प्रॉब्लम थे पहले वो हैंडल किए और आपका कंपाइलर लिया था, फिर मैं ना ऐसे करता था, मतलब मेरे को थोड़ा टाइम मिलता था दिन में निकालता था कि एक प्रॉब्लम कॉस्टिंग का दिन में, एक FM का और एक अकाउंट्स का, तो
मेरा ऐसे करके ना 7 चैप्टर जो बड़ा वाला चैप्टर था अपना कैपिटल बजटिंग, उसके मेरे ऑलमोस्ट सब प्रॉब्लम्स हो ही गए थे एफएम कंपाइलर के, और बाकी अच्छा सब्जेक्ट बाकी चैप्टर्स के भी जैसे जैसे जितना मैनेज होता था वो कंपाइलर भी किया था, तो मैं ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करता था एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स को लेके, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम में क्या आने वाले अपने को पता नहीं है, तो पहले आई बोलता है कि मॉड्यूल हैंडी होना चाहिए, फिर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम जितने हुए इट्स गुड। और एको की बात आई तो वो तो पूरा चार्ट बुक लर्न किया था ऑलमोस्ट, मतलब एको का एग्जाम जब भी आया ना, मतलब मेरे हाथ से पेपर आया आई बोलता है हाँ ये भी क्वेश्चन आंसर आ रहा है, ये भी आ रहा है, और मैंने स्टार्ट भी पहले एको से ही किया था, एको मैंने खत्म कर दिया, 40 मार्क्स डन हो गए, अभी एफ एम पे आते। और अगर कितने ऐसे जेन्युइनली मॉड्यूल किया रहेगा ना, या आपके भी प्रॉब्लम्स किए रहेंगे ना, तो 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट मॉड्यूल के डायरेक्टली जाएंगे, थे। आपने देखा रहेगा ना। हाँ अरे भाई, पर मेरे को एक बात बताओ कि जैसे मैं जो ना क्लासेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हो गया एफएम, उसमें मैं क्लासेस में सारे नोट्स में लिखवाता हूँ, ठीक है ना, हर एक चैप्टर के, तो क्या आपने वो लिखे थे हाँ साथ साथ मेरे? एकदम सर, वो जो आप पेन का कलर चूज करते थे वही मैं ट्राई करता था, सेम पेन का कलर होना चाहिए। अच्छा वो जिस बुक बनाया था ऐसे था कि एक सोविनियर रहेगा अपना सीए करने का, हाँ वो एक करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मतलब एंड के दिनों में काम आया, रिवीजन लेक्चर देख लिए, फिर वो नोट्स एग्जाम के दिन फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए, या ऐसे कभी कभी रहता ना कि ये फॉर्मूला तो पता है बट इसका लॉजिक क्या है, आपने कोई कोई फॉर्मूला का लॉजिक सिखाया था जो नेसेसरी था, तो वो देखने में ईजी होता था। मैंने ऐसे मॉड्यूल तो इतना यूज नहीं किया था, मॉड्यूल वॉज जस्ट फॉर रेफरिंग क्वेश्चन, कंसेप्ट तो आपके बुक से और रिविजन लेक्चर हो जाता तो था। मैं जो जैसे क्लासेस में मैंने नोट्स पहले लिखवा दी एफएम के, ठीक है, फिर मैं क्लासेस में मॉड्यूल पूरा करवाता था, करेक्ट, अपना स्टडी मटेरियल पूरा होता हाँ था। हाँ तो उसके बाद मैंने ये भी देखा कि आपने मेरी एफएम कंपाइलर एंड ईएफएफ कंपाइलर रेफर की थी, करेक्ट, प्रेपरेशन के लिए। तो क्लासेस जैसे समझो कोई चैप्टर एंड हो जाता है जब, तो उसके बाद क्या आप अपने आप जब कंपाइलर करने बैठते हो तो क्या खुद से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे बराबर? इनिशियली ऑनेस्टली 7 चैप्टर ही उठाया था मैंने पहले, अच्छा, अरे बाप रे, उसके इनिशियली भारी वाले एकदम। इनिशियली नहीं बन रहे थे। हाँ हाँ मतलब क्योंकि उसमें ज्यादा थे ना तो कंटेंट था, तो आया होता है कि एक एक प्रॉब्लम करके करेंगे, और वो चैप्टर भारी है बट इंटरेस्टिंग है, आप ऐसे हाँ देखोगे तो इंटरेस्टिंग है, मतलब एब्सोल्युटली। अगर प्रॉब्लम बन जाते हैं ना उसका सेटिस्फेक्शन अलग ही रहता है, हाँ तो हाँ इनिशियली तो प्रॉब्लम्स नहीं बनते थे बट वही ऑब्वियसली फिर वो मेंटेन किया प्रैक्टिस करते कंसिस्टेंसी। करते हैं। हाँ हाँ फिर कभी कभी बीच में 2-3 प्रॉब्लम बन गए तो ऐसे कॉन्फिडेंस एकदम ऐसे बूस्ट हो हाँ जाता था। मतलब ऑब्वियसली एक साथ करना चाहोगे तो डिफिकल्ट होता है, बराबर, अगर हाँ आप डेली हाँ थोड़ा 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 करते हो। मतलब मेरा ये बोलना है स्लोली कि अगर स्लोली हम स्टडी मटेरियल, जैसे मैं जो क्लासेस में करवाता हूँ, स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस है एज इट इज, उसके भी बहुत सारे एज इट इज होते हैं आरटीपी एमटीपी में, जो कंपाइलर में होते हैं, करेक्ट, हाँ एंड कुछ न्यू टाइप के भी होते हैं, क्या लगता है आपको? हाँ मिक्स रहते हैं, मतलब ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट कोई एक्स्ट्रा पॉइंट डालता है जो मॉड्यूल में कवर्ड नहीं है तो जी वो कवर वहाँ से हो जाती है, जैसे कोई डेप्रिसिएशन रिलेटेड पॉइंट हो गया मशीनरी में स्क्रैप में ये सब में, हाँ जो हम लोग को एक्सप्लेनेशन तो रहता है तो वो स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशन या एक्सरसाइज क्वेश्चन में नहीं रहता, तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन से हो जाता है कि हाँ अभी ये प्रॉब्लम क्लिक हो गया तो अगर आया भी तो अब टैकल कर लेंगे। और आपने और जो आपका हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जो आपके एको के रिवीजन लेक्चर थे ना वो तो मैंने 2-3 बार देखे ही थे, क्योंकि एको ऑनेस्टली ऐसे बोरिंग हो जाता है थोड़ा, तो वो रिवीजन लेक्चर से बार बार सुन के भी लर्न मैंने किया था, मैं लर्निंग को डिनाई नहीं करो लर्न किया था, बट वो जी, कहते सुन लिया तो वो रिकलेक्ट होने में इजी होता रिकलेक्ट है, आसानी जैसे से समझो होता एक आपका चार्ट बुक का एक पेज है उतना पार्ट वीडियो से सुन लिया फिर लर्न कर लिया, तो है। ऐसे हाँ करके भी मतलब वो थोड़ा अलग अलग वेज निकालना पड़ता है क्योंकि सस्टेन करना और सिलेबस इतना ज्यादा है तो एक ही वे से करेंगे तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, तो अलग अलग वे ढूंढ के कैसे भी पढ़ना तो है ही अभी। तो आपने और फिर मैराथन वीडियोस मेरे देखे थे आपने, मतलब एफ एम ई एफ एफ के, मतलब ई एफ एफ तो आपने देखा, एफ एम की भी मैराथन वीडियोस वगैरह आपने रेफर किए थे? ओके एफएम के जब मैं अपनी फर्स्ट रिवीजन कर रहा था तो एक बार वो कंसेप्ट क्विक रिवीजन के लिए जो आपके प्लेटफॉर्म पे थे पुराने प्लेटफॉर्म पे हाँ, वो कॉन्सेप्चुअल मैंने वीडियोस रिवीजन। रेफर किए थे, हाँ हाँ कंसेप्चुअल वीडियोस दे रहे थे ना आपके जो जो चैप्टर्स के अवेलेबल थे वो किए, और जो इतना नेसेसरी नहीं लगा तो वो बुक रेफर कर बुक से लिया, हो कर गया। दिया फिर उसमें से। हाँ तो अपन जो मतलब क्लास में लिखते हैं वो अगर अपने आप भी अपन बाद में रीड करें तो समझ में आता है पूरा चीज़ें। हाँ प्रोवाइडेड आपने लेक्चर्स अच्छे से सुने हैं, ऑब्वियसली, मतलब वो हाँ मतलब वो तो मैंडेटरी, अगर वो टाइम पे थोड़ा एफर्ट ज़्यादा डाल लिया लेक्चर्स के हाँ टाइम तो बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगा कुछ एक्सटर्नल सोर्स का, वो एक बार देख लिया कोई रिकलेक्ट हो गया आ जाता है। तो यार अच्छा, अब मुझे बताइए, एफ एम एफ एफ की तो काफ़ी बातें हो गई, अब मुझे ना एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी आप बताइए कि अगर कोई स्टूडेंट है ये इंटर अभी जो देने वाले हैं, ठीक है, अपने नए अटेम्प्ट में जो है मई 24 में, राइट, तो अगर कोई बच्चा अभी बोध ग्रुप पास होना चाहता है, अभी आपके समय तो 8 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपके अब जो जूनियर्स हैं उनको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है ना, तो कंपेरेटिवली मैं बोल सकता हूँ बोझ थोड़ा सा कम है ना, ई आई एस वगैरह नहीं पढ़ना है
राइट, तो आप क्या स्ट्रेटजी सजेस्ट करेंगे अपने सारे जूनियर्स को जो May 24 में भी एग्जाम देंगे? मैं अपना जर्नी शेयर कर दूं पहले, और फिर हाँ मतलब ऐसा, स्ट्रेटजी बिल्कुल हम बिल्कुल फिर बिल्कुल बताइए। समराइज कर देंगे। ये मतलब मेरे को फाउंडेशन का तो कॉन्फिडेंस था कि क्लियर हो ही जाएगा, तो मैंने वार्म अप बैच से स्टार्ट कर दिया था जनवरी के अराउंड। तो जनवरी में स्टार्ट हो गया, फेब में रिजल्ट भी आ गया था। तो मतलब मेरे फ्रेंड से बात होती रहती थी, ये बहुत ज़रूरी है, लोग बोलते हैं कि आइसोलेशन में रहने का नहीं, बट जो फ्रेंड्स रहते हैं ना सीनियर जूनियर्स, उनसे बात करते रहने का। तो मेरे को एक फ्रेंड ने गाइड किया था कि कॉस्टिंग में उससे यही मिस्टेक हुई थी, उसने लाइक टीचर स्विच किया था। तो मैंने वो उसने मेरे को बोला था कि तू टीचर मत स्विच करना, कॉस्टिंग सब्जेक्ट ही ऐसा टाइम पे हो जाएगा। तो मैंने कंसिस्टेंटली प्रणव सर का ही लेक्चर सुना था, अल्टीमेट सीए टीम के ये हो गए, तो उनका ही सुना था। मैंने कॉस्टिंग स्टार्ट कर दिया था पहले ही, जो नॉर्मल ग्रुप 1 के सब्जेक्ट बाकी टीचर से चल रहे थे, कॉस्टिंग में थोड़ा अहेड चल रहा था। मैंने जैसे एफएम May 23 का बैच का किया, कॉस्टिंग में मैंने May 23 बैच से किया, तो जब इनिशियली अपने लेक्चर्स का बर्डन नहीं रहता था, तो आई वॉज लाइक कॉस्टिंग के आज 4 लेक्चर कर लिए, तो कॉस्टिंग मैंने पहले खत्म कर दिया। तो एक एडेड एडवांटेज था कि मेरा एक एडवांटेज सब्जेक्ट पहले हो गया, तो मेरा एक सब्जेक्ट अहेड चल रहा था, और बाकी मैं जो लेक्चर रहते थे वो जो दिन में होता था वही रेफर कर लिया। रात को होमवर्क तो ऑब्वियसली रहता ही है, तो जो आज पढ़ लिया वो होमवर्क में रिवाइज हो ही जाता था। और टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आई वाज लाइक मैंने उसका हाथ छोड़ा ही नहीं, मैंने टैक्स कंसिस्टेंटली किया ही था, क्योंकि वो उससे मेरे को बहुत डर लगता था। वो इतना वास्ट है, ह्यूमनली ऐसा पॉसिबल है कि छोड़ दिया तो एरर हो सकता है, तो अगर Day 1 से पता है उसमें एरर होने वाला है तो छोड़ो ही मत, कि उसको करते रहो कंसिस्टेंटली। ये Group 1 ऐसे ही क्लियर हो गया मेरा, मतलब लेक्चर सुन के हो गया। फिर मैंने Group 2 में FMA को तो स्टार्ट कर ही दिया था। देन आई स्टार्टेड विद एडवांस अकाउंट, EIS मैंने लाइव किया था, जी। एंड ऑडिट ऑडिट भी मैंने May 23 बैच से किया था, क्योंकि मेरा हो गया था सब्जेक्ट, मतलब मैं थोड़ा एडवांस में चल रहा था नॉर्मल बैच से। तो मेरा एक दो महीना पहले सिलेबस हो गया था। फिर मैंने सेप्टेम्बर पूरा रिविजन के लिए दिया, अक्टूबर मैंने प्रिलियम्स लिखे, मैंने एक्सटर्नल एक टेस्ट सीरीज ऐप से प्रिलियम्स दिया ओके था, ओके ओके मैंने वो घर से ही लिखे। ऑनेस्टली मैं मॉक टेस्ट सोच रहा था, बट मेरे को एक मेरे फाउंडेशन के सर ने बोला कि जो सब्जेक्ट्स के लिए तू कॉन्फिडेंट नहीं है उनके लिए जाओ, उतना मॉक टेस्ट ज़्यादा देना टाइम वेस्ट, बस जरूरी है। एंटर ज़रूरी है। तो मैं सोच रहा था कि वहाँ पे जाके दूँ, वो एक वही था सर ने बोला कि सेंटर दूर है तो तेरा टाइम अभी प्रेशियस है, अगर तेरे को हाँ जो सब्जेक्ट्स के लिए कॉन्फिडेंस है तू नहीं चाहता है तो उम्मत दे। तो मैंने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट ही नहीं किया, बट मैंने वो टेस्ट सीरीज जो दी ना जी ऑनेस्टली दिया, पढ़ के दिया, और ऐसे घर पे भी मैं बोलता था तब ये 3 घंटा इधर मत आना, मैं पेपर लिख रहा हूँ। वो अच्छा मेरे घर वाले भी बहुत कॉपरेट किए, तो मैं 2 घंटा 3 घंटा जितना भी होता था घर पे पेपर लिखता था। मैंने सॉरी मैं सितंबर अक्टूबर में मैंने प्रिलिम्स खत्म कर लिए, अक्टूबर स्टार्ट होते ही फिर अक्टूबर 10 के अराउंड मेरे प्रिलिम्स लिख के हो गए थे। फिर मैंने अपना जो लास्ट के दिन बचे थे उसमें जो भी मेरे वीक पॉइंट्स थे, जो भी जहाँ पे भी मैं लैग किया, वो सब मैंने रिवीजन किया। और थोड़ा ये भी प्रॉब्लम हो गया था, मेरे प्रिलिम्स मेरे खुद के हो गए 10 अक्टूबर को, और 11 से बीकॉम के एग्जाम्स थे 26 अक्टूबर को। मामले तो हैं। मैं वो डिलेमा में था कि देना है कि नहीं देना है, फिर बाद में कॉलेज का इशू होता था KT का, फिर ICOT ट्रेनिंग भी होता है, तो मैंने बोला दे देते, अभी इतना पूरा साल मेहनत किया है तो थोड़ा पुश कर लेंगे हो जाएगा, क्या बात है तो मैं एग्जाम दे के भाई, आया। क्या बात है, क्या बात है। मतलब मैं आपको बताना थैंक यू चाहता हूँ सर। कि यहाँ पे बच्चे जो है ना, मतलब मैं ना ये शॉक हो जाता हूँ सुन के, बहुत बच्चे बहुत बार क्या करते हैं कि वो BCom के एग्जाम के लिए CA इंटर का एग्जाम छोड़ देते हैं। आप सोच रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो और वो पॉइंट नहीं है। मैं सबको बताना चाहूँगा कि अंश भाई जो बता रहे हैं वो बोल रहे हैं कि CA इंटर का एग्ज़ाम था नवंबर से, और अक्टूबर महीने में जो है 11 अक्टूबर से BCom का एग्ज़ाम था, तो उसने BCom का भी एग्ज़ाम दिया और बाद में CA इंटर का भी एग्ज़ाम दिया और इतने मार्क्स आए हैं। मतलब कि मेरे हिसाब से अगर टाइम बराबर से मैनेज करते हैं, अगर टाइम मैनेजमेंट हाँ सही सर, तरीके से कर एग्जैक्टली लिया तो बिल्कुल पॉसिबल है ये चीज़ का। करेक्ट है? करेक्ट सर। मेरा ऑनलाइन लेने का पर्पस ही ये था कि टाइम बचेगा, ऑफलाइन क्लासेस नो डाउट फिजिकल कनेक्ट एंड ऑल ठीक है, जी बट हम इंटर कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी एक प्रायोरिटी बन जाती है। तो मेरे को मेरा पता था कि मैं 8 घंटा उधर बेंच पे बैठ के घर पे आके मेरे में उतना मोटिवेशन नहीं रहेगा कि सेल्फ स्टडी करूँ। तो मेरा Day 1 से क्लियर था करना है तो ऑनलाइन ही करना है, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, सबका पर्सनल ओपिनियन, बिल्कुल बट बिल्कुल मेरे को बिल्कुल ऑनलाइन बहुत कन्वीनियंट लगा। और ऐसा नहीं कि कंटेंट में क्वालिटी में कुछ फर्क था, आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद ऑनलाइन कंटेंट, इट वॉज वेरी गुड ऑल्सो। तो एक बार मुझे बताइए यार कि जब आपका बीकॉम का एग्ज़ाम था है ना, तो मतलब समझो अगर आज बीकॉम का एग्ज़ाम है तो आप कैसे प्रिपरेशन करते थे उसका? मतलब कि उस वो थोड़ा सा सर वो दिन बताइए कि कैसे किया, या आपने प्रिपेयर किया नहीं डायरेक्ट एग्ज़ाम देके आ गए, सच सच बताओ। BCom मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, हाउ वाज माय डे लाइक। हम हाँ लोग का कॉलेज बॉम्बे में है, तो यहाँ से 2 घंटा ट्रैवल लगता अच्छा है अंबरनाथ से, तो
मैं ऐसे था कि देख भाई टाइम तो रीजन नहीं होना चाहिए तेरा क्लियर नहीं होने का, टाइम निकाल लेंगे, थोड़ा नींद ऊपर नीचे होएगा बट टाइम निकाल लेंगे। मेरे को अभी वो याद नहीं, शायद छुट्टियां भी बहुत थी हमको एग्जाम के बीच में, एक एक दो दो दिन छुट्टी थी, तो जो दिन एग्जाम होता था मैं एग्जाम के 1-2 घंटा पहले उठता था, पढ़ लेता था थोड़ा, फिर ट्रेन में जाते थे। ट्रेन में हम लोग बीकॉम के मैंने कभी बुक्स नहीं लिए सर, ऑनेस्टली पीडीएफ जो आता था पीडीएफ देखते थे 15-20 मिनट, समझा तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी कुछ पढ़ा नहीं है, अभी उधर टाइम देके मतलब नहीं है। तो जो सब्जेक्ट ऐसा लगता था ना नहीं बट कि मुझे एक बात बताओ, आप जैसे बता रहे हो जो आपने पढ़ाई की, लेकिन सीए फाउंडेशन सीए इंटर का ही तो मतलब मोस्टली तो वही चीज होती है। हाँ, एग्जैक्टली, मतलब सेम बेसिस पे होता है। अभी जैसे फाउंडेशन कोर्स एक सब्जेक्ट वो हमको है ही नहीं, तो वो थोड़ा ऐसे पर्सनल ओपिनियन बेस्ड सब्जेक्ट था, तो उसमें हम लोग ने थोड़ा एफर्ट डाल लिया था कि देख लिया अभी जा रहे हैं कुछ तो लिख के आना पड़ेगा। तो ट्रेन में मेजरली पढ़ा था, और जो सब्जेक्ट ऐसा लगा कि नहीं भाई ये तो नया ही है एकदम, तो एक क्लास पहले भी देखा था। अभी जैसे लॉ था, मैंने लॉ ऐसे पढ़ा कि मैं इंटर का एग्जाम देने जा रहा हूँ, या इंटर ओरिएंटेड मैंने ज्यादा पढ़ा, जो चैप्टर इंटर में नहीं थे तो मैं उनको प्रायोरिटी कम दिया। मतलब बीकॉम में मैंने ऐसे लॉ अपने बेनिफिट के लिए पढ़ा था, कॉस्टिंग मैंने अपने बेनिफिट के लिए पढ़ा था, बीकॉम में कॉस्टिंग का भी एग्जाम था, तो उसमें एक्चुअली अच्छा पेपर था कॉस्टिंग का, बीकॉम का प्रैक्टिस हो गया अच्छा खासा, और मैं ट्राई करता था कि 1.5 घंटे में निकल जाऊँ एग्जाम लिख के, अच्छा तो 2 आवर्स का होता था, तो मैं 1.5 घंटे में ट्राई करता था मैक्सिमम निकल जाने का। तो अकाउंट्स और कॉस्टिंग तो 1 घंटे में हो जाता था, इट वॉज वेरी इजी। मतलब वो हम लोग सीए इंटर कर रहे हैं तो बीकॉम का अकाउंट इजी, नो ऑफेंस टू बीकॉम, बट वो थोड़ा इजी हो जाता है हम लोग के लिए। तो मैं वैसे निकल जाता था, फिर घर आके 1-2 घंटा सो के वापस बैक टू ट्रैक। यार भाई बहुत बढ़िया। अच्छा और मुझे, सर हाँ बोलिए बताइए बताइए, यस यस बोलिए। आप बोलिए बोलिए सर। नहीं, बोलो बोलो। वो जो ट्रेन में आने जाने के टाइम जो समरी नोट्स, मतलब मेरे को एक जीएसटी का समरी बुक था या कोई टीआईएसएसएम का हाँ पीडीएफ था, मैं समझ रहा हूँ, मेजरली मोबाइल से ही पढ़ता था, मेरे को कन्वीनियंट मतलब आप लगता था, ड्राइव में यूटिलाइज, सब पीडीएफ है। आप यूटिलाइज करते रहते थे टाइम, जो भी समय मिलता था हर समय को मैं कैसे पढ़ सकते हैं, या आप बहुत बार रिवीजन लेक्चर भी सुन लेते होंगे है ना ट्रेन वगैरह में। हाँ, रिवीजन लेक्चर या जिसकी नीड। अभी मैं ऐसे टारगेट रखा था कि मैं घर आते टाइम टीआईएस का या एसएम का एक चैप्टर पूरा रिवाइज कर दूंगा, क्योंकि मैंने पहले लर्न करके रखा था, प्रीलिम दिया था ना अभी अभी लास्ट प्रीलिम, वही था 7, तो वो एकदम फ्रेश हो गया। तो मैंने 3-4 दिन तो ट्रेन में आते टाइम एक एक चैप्टर कर लिया था रिवाइज। वो नोट्स मैटर करते हैं कि आप कौन से ले रहे हो, अगर आपके नोट्स बहुत कन्वीनियंट है ना तो आपके लिए पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है। तो ईआरएसएम के जो मेरे फैकल्टी थे उनके नोट्स बहुत अच्छे थे, और मैंने जीएसटी का भी एक समरी चार्ट बुक ढूंढा था, एक सर ने बनाया था। कि मैं एक ये बोलना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि पीयर प्रेशर में आके आप सब नोट्स बना रहे हो, आप थोड़ा ढूंढो बाहर बहुत अच्छे नोट्स हैं आपके, जैसे एको का भी चार्ट बुक है, तो एको का चार्ट बुक, जीएसटी का मेरे पास समरी बुक था, वो जी सर जीएसटी का समरी बुक लिटरली 40 पेजेस में पूरा जीएसटी है, तो वो पढ़ना कन्वीनियंट हो जाता है। तो अभी वो कॉम्पिटिशन नहीं चालू ना कि अभी किसने अच्छे समरी नोट्स बनाए, अगर हाँ अवेलेबल है तो मैं अपना टाइम क्यों बिल्कुल डालू, पहले बिल्कुल। टाइम कम है, नहीं मैं आपको और आपका बताता जैसे हूँ एको का चार्ट कि बुक था। हाँ, तो जैसे मेरा जो एएफएफ का चार्ट बुक है ना, मतलब जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ते हैं क्लासेस में, हाँ, मतलब मैं आपको स्टैट्स बता रहा हूँ, उसके 2-3 टाइम्स जो है ना मतलब बच्चे बुक्स परचेज करते हैं, आप समझ रहे हैं, मतलब बहुत से बच्चे हैं जो समझा। जो सिर्फ बुक्स लेते हैं पर क्लासेस नहीं कर रहे, पर बुक्स से वो मतलब उनको इतना हेल्प करते हो बार बार रिविजन में, भी हो सकता है उन्होंने कहीं और क्लास लगाई हो है ना, हाँ पर उनको हाँ रिविजन में वो हेल्प हो जाती है। तो बिल्कुल सही है यार, तो क्या एग्जाम मेरे फ्रेंड्स निकालना। भी है जो जिन्होंने आपका पेड क्लासेस नहीं किया बट आपका जी चार्ट बुक दिया है, आपका रिवीजन लेक्चर देखते, मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं। अच्छा, नहीं यार सही है, वो तो क्या अभी एग्जाम निकालना बस वो इम्पोर्टेंट ज्यादा। अच्छा मुझे एक चीज़ आप मुझे बताओ, ठीक है ना, क्योंकि देखो मैं ना कुछ ऐसे सवाल लाया हूँ कि जो मेरे जो एग्जिस्टिंग बैच वाले ना एफएम, अभी हाँ तो मैं एफएम एसएम पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ईएफएफ हट गया है और एफएम के साथ एसएम आ गया है, ठीक है ना। तो एग्जिस्टिंग बैच वाले जो कुछ बच्चे ना, उनको क्या इशू होता है कि सर हम ना बस क्लासेस ही कर रहे हैं तो हमको तो सेल्फ स्टडी का समय ही नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ अगर हम क्लासेस ही करते रहेंगे और सेल्फ स्टडी अगर बिल्कुल नहीं करेंगे तो क्या ये अच्छी स्ट्रैटेजी है, मतलब ये करना एडवाइजेबल है, बताइए। नहीं, आई वॉन्ट एडवाइस दिस सर, क्योंकि सर होता क्या है, आपने सबने क्लासेस में बोला, ये बहुत बेसिक है, हर टीचर बोलता है क्लासेस में, सेल्फ स्टडी इज मस्ट, और बेसिक सिंपल लॉजिक है कि आप कंटेंट इनपुट लेते जाओगे लेते जाओगे लेते जाओगे, बट आप पीछे देखोगे नहीं ना कि क्या क्या लिया है इनपुट, आपको हाँ आगे रिकलेक्ट होगा नहीं, आप प्रोसेसिंग, एक्सपेक्ट भी मत करो कि होगा आपको, तो आपको ऑब्लिगेशन ही है कि अगर आज क्लास किया सेल्फ स्टडी करना, और हमको जो टाइम मिलता है सेल्फ स्टडी का, हम लोग एक सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकाल रहे हैं 2 महीना, वो डेडिकेटेड सेल्फ स्टडी को दे रहे, तो हाउ कैन वी स्किप दैट। और अगर जितना हम टच में रहेंगे सब्जेक्ट्स के तो बाद में नेक्स्ट रिवीजन इजी होता है, तो सेल्फ स्टडी का टाइम मेरे को तो लगता है ऑनेस्टली सर निकल जाता है, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ट्रैवलिंग का टाइम बचता है, जी ऑफलाइन के बच्चे होते हैं जो क्लास जाके रैंक वैंक लाते हैं,
हमको फिर उनसे तो कंप्लेंट करना ही नहीं चाहिए कि हम लोग का ट्रैवलिंग का टाइम बचता है कितना जी सर, नहीं और नहीं ऑफलाइन एब्सोल्युटली यार। थोड़ा नॉर्मल लॉस करके टाइम वेस्ट हो ही जाता अच्छा है, थोड़ा स्पीड, फ्रेंड्स नहीं से नहीं बात और किया। स्पीड स्पीड बढ़ाने का भी ऑप्शन है, अब ये सोचो मतलब अगर आप ऑफलाइन हाँ अगर आपको कोई टीचर कंफर्टेबल है तो, मैं तो सर सुनता था 1.25, बट मैं ये ध्यान रखता था कि कंसेप्ट तोड़ना नहीं है दिमाग से, और अगर हाँ इनकेस लगा कि ज्यादा फास्ट हो रहा है तो मैं स्लो कर देता था, एब्सोल्युटली अपने भाई। कन्वीनियंस के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। टाइम कम है क्योंकि सर 9 महीने ही नहीं मिलते नहीं हैं और सही है सही है कंटेंट बहुत सही है, ज्यादा है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। और स्मार्ट और वर्क करना ही पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स का एक्सपेक्टेशन आजकल क्या हो गया ना कि सर आप हमको क्या कराओ, पहले तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट दिखाया, पूरा स्टडी मटेरियल करवाया, ठीक है ना। मैं उनको बोल रहा हूँ कि भाई आप घर पे जाके आप कंपाइलर ओपन करो एक बार, और आप देखो कि ऐसा तो नहीं कि मैं कोई बल्दे क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको कंपाइलर जम ही रहा है, एक बार कंपाइलर ओपन तो करो। कुछ बच्चों का ऐसा ऐसा एक्सपेक्टेशन सर कंपाइल कर हर एक क्वेश्चन आप बार बार डिस्कस करो क्लास में, क्या मतलब मेरा क्या बोलना है। और मैं जैसे सबको बोलता हूँ कि यार अब मेरे हिसाब से मैं जो ना जितने भी डाउट्स मुझे आते हैं मैं पूरा ट्राई करता हूँ सबको रिप्लाई करने का ट्राई करता हूँ सबको, चाहे वो टेलीग्राम पे भेजे इंस्टाग्राम पे भेजे। तो मेरा बोलना होता है स्टूडेंट्स को कि यार मैंने क्लास में इतना एग्जॉस्टिव वे में आपको करवा दिया सब चीज़ें, एक बार अगर आप कंपाइलर ओपन करोगे ना और आप क्वेश्चन देखोगे आपको समझ में आएगा यार ये तो सर ने क्लास में बताया हुआ है, तो खुद से जब तक प्रैक्टिस करोगे नहीं तब तक कोई भी क्लास हेल्प नहीं करेगी। मैं राइट क्या लगता है अंश भाई? ऑब्वियसली सर, यस सर एकदम। और इसमें कुछ डिमोटिवेट होने जैसा है नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स बने नहीं तो हाँ ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हर सब्जेक्ट में हम मास्टर बने, तो इट्स ओके कोई नहीं बना तो मूव ऑन, उसमें से देखो क्या सीखने मिला। जी मेरे को मेजोरिटी प्रॉब्लम्स नहीं बनते थे, आई एम बीइंग ऑनेस्ट। फिर मैं देखता था कि अच्छा इसमें ये पॉइंट निकला, इसमें ये पॉइंट निकला, बट आई वॉज स्टिकिंग टू बेसिक्स, क्योंकि एट द एंड उधर आएगा क्या हमको नहीं पता है। तो आज मैं एब्सोल्युटली स्ट्रेस लेके कि ओ कंपाइलर का ये प्रॉब्लम नहीं बना, अब मैं आज का पूरा दिन वेस्ट करूंगा रिग्रेट हाँ। करके, पॉइंट नहीं है सर। चलो यार बहुत बढ़िया। और कुछ भी आप अभी लास्ट मिनट टिप्स कुछ भी देना चाहें, है ना, आखिरी टिप्स कुछ देना चाहें आपके जूनियर्स को कि ओवरऑल स्ट्रेटेजी के लिए या ओवरऑल की कैसे पढ़ना चाहिए, कुछ भी जो आपको लगता है आपके हमारे जो May 24 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। यस प्लीज कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, और आप अगर ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हो ऑब्वियसली तो आपके पास टाइम बचेगा, आप एक्सक्यूज दे रहे हो अगर आप बोल रहे हो टाइम नहीं बच रहा है तो, और आप अपने स्पीड के हिसाब से चलो, जरूरी नहीं है कि आपका फ्रेंड दो ग्रुप दे रहा है आपको भी देना है। मैंने हो सकता है दो ग्रुप, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, बट आई वॉज जस्ट कंसिस्टेंट। मैं कंसिस्टेंसी को ज़्यादा प्रमोट करूंगा, और क्लासेस अच्छे से करो, भगाओ मत, जो कंसेप्ट नहीं समझ रहे उसको वापस पीछे जाके देखो, रेस नहीं है। जितना आपको क्लास में इजीली समझेगा ना आपको आगे हेल्प होगा, वो आपको अभी रियलाइज नहीं होगा, नहीं तो आपको बार बार पीछे आके देखना पड़ेगा। मेरे से भी कई कई जगह पे गलती हुई थी कि मैं कभी कभी टारगेट्स मीट करने के चक्कर में भगा दिया समझो, तो मेरे को हाँ रिग्रेट हुआ कि बाद में वापस जाके मुझे देखना पड़ा। और कोई कोई कंसेप्ट नहीं जमता तो इट्स ओके, 8 सब्जेक्ट है उनको करने, 2-3 डिपार्टमेंट ही है तो ठीक है। कभी कभी कोई कंसेप्ट नहीं बना तो रिग्रेट मत करो, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता कि सब सब में मास्टर हो, मेरे से तो नहीं हुआ, मेरे को जितना बेस्ट होता था मैं दिया D1 से। और सर एक ऐसा पॉइंट भी आया था कि आई वॉज लाइक एक ग्रुप छोड़ देता हूँ, मेरे को फिर मॉम डैड ने मोटिवेट किया, मेरे को लिटरली पापा के वर्ड से ही है, तो 3 साल लगा 2 साल लगा किसको दिखाना नहीं है। तो ये पेरेंट्स के लिए भी है, क्या आप बात मतलब बच्चे को है सपोर्ट करो, वो एक बहुत ऐसे मोटिवेटिंग स्टेटमेंट था, मैंने लिटरली डैड को हग किया था उसके बाद। और आपको पता बहुत है आप बढ़िया। लोग डैड से थोड़ा ऐसे रहता है, हाँ इवॉल्व रहता है, तो वो एक डैड का स्टेटमेंट वाज काइंड ऑफ मोटिवेटिंग, क्योंकि मेरा एक फेज आ गया था कि सैचुरेट हो गया था एकदम में, तो मेरे को तब डैड ने बोला तू 3 साल लगा 2 साल लगा किसको दिखाना नहीं है। तो एक वो पेरेंट्स के लिए भी मैं बोलूंगा कि ट्रस्ट योर चाइल्ड एंड मोटिवेट हिम जितना हो सके, एंड ही और शी विल गिव यू द रिजल्ट्स। यार मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ और लकी फील कर रहा हूँ बल्कि कि आप मेरे स्टूडेंट रहे हैं थैंक यू और सर। आप जो है वो रंग लाई है। और अभी आप मैं हर क्लासमेट में बोलता हूँ ना कि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है, हाँ सर सो दिस इज़ अ ट्रू एग्जाम्पल, ठीक है ना, कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना कुछ करते हैं और हमको कितना सपोर्ट करते हैं। एकदम सर। सर सो मैं मतलब दो चीजें ऐड करना चाहूंगा, जी एक तो फ्रेंड से कनेक्ट रखो, मतलब मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि टाइम पास करो जाके, बट हाँ थोड़ा कनेक्ट रखो, थोड़ा वी हैव टू सर्व, मतलब इधर बाहर ही सर्व करना है तो आइसोलेशन में रहकर कुछ नहीं होने वाला है, थोड़ा बहुत टाइम निकल जाता है और वो चाहिए, सस्टेन करना है तो वो थोड़ा चाहिए। और कुछ को करिकुलर भी रखना चाहिए, मतलब थोड़ा ऐसे सैनिटी मेंटेन करने के लिए थोड़ा रखो, मतलब टाइम एक्स्ट्रा निकल जाता है करिकुलर। सर अगर टाइम, हाँ हाँ टाइम मैनेज किया तो निकल जाता है सर, आपको भी पता है। आप अगर क्या मैं करते थे एक्स्ट्रा सर करिकुलर वो बताओ यार। मैं जिम करता था, और मैं रैप पोएट्री जो आजकल चलता है वो मैं लिखता हूँ, तो मैं जिम तो मेरे को ऐसा था कि मेरे को एग्जाम्स में भी क्विट नहीं करना, तो मैं एग्जाम्स में भी गया था, मैं 20 मिनट्स ही जाता था, बट मेरे को जाना था कि बाद में नहीं तो एक बार छूट जाएगा तो फिर
पीछे रह जाएगा, क्योंकि लाइफ में आगे कुछ ना कुछ आने ही वाला है। तो जिम मैंने छोड़ा नहीं ना, एग्जाम्स के दिन भी गया था। क्या बात है भाई, क्या बात। तो यार एक लास्ट जो है, जो भी स्टूडेंट्स अभी मुझसे एफएम पढ़ रहे होंगे, एफएम एसएम, उनके लिए अगर आप कुछ बोलना चाहे, कोई भी एक चीज जो भी आप बोलना बेझिझक चाहे। यस हो जाओ, एमवी सर को फॉलो करो, बुक्स सर के अच्छे हैं बहुत, ऐसे प्रोफेशनली डिजाइंड है, चार्ट बुक एंड ऑल, यू कैन ट्रस्ट एमवी सर ब्लाइंडली, ही विल गाइड यू थ्रू योर रिजल्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पे आए हो, एंड यस ट्रस्ट एमवी सर, आई विल जस्ट से अरे दैट। यार यार, और लास्ट एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी यस आपने सर बताया एकदम। कि आप रैप और पोएट्री लिखते, तो एक कुछ तो भी हो हाँ जाए है हाँ ना सर एज जी, अ एक सेकेंड में क्लोजिंग। बता दो आपको, मैंने चलो डन डन डन, बताओ आपको, ठीक बिल्कुल 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 यार। और आपके वो तरीके से वो गा के बताओ, जैसे मतलब जो जो भी होता है, है मतलब सर। रैप करके बताओ जो भी। बिल्कुल ये मैंने मई में लिखा था, थोड़ा मैं तभी फ्रस्ट्रेटेड था, बिल्कुल प्रॉब्लम स्ट्रेस एंजाइटी है, खुद के लिए बहाने मैंने खुद ही बनाए, भूल जा सब, फोकस उन सपनों पे जो है तूने सजाए, यहाँ लिखने से क्या होगा जब तक तू है ऑन सोफा, सफलता भी उसी के हाथ आई थी जिसने कभी किस्मत को ना कोसा, ये सारे फेजेस सब देखना है तुझे, प्यार मोहब्बत और धोखा कितना और कब वो देख लेगा, मेहनत कर आगे बढ़, मेहनत करने वाले पीछे देखते क्या, अच्छा फिर जो तूने देखे थे ड्रीम्स वो सारे फेक थे क्या, सपने देखने की है औकात तो उठा दोनों हाथ, कर कम बात, लग जा दिन रात, ग्राफ सीधा नहीं होगा कभी भी, माँ के पास बैठ जा, भरोसा हिल जाए जब भी, और भी है क्या आगे बट ठीक है अभी। थैंक बात है, अमेजिंग भाई, अमेजिंग, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, यू सर, एंड आई विश एंड आई प्रे टू गॉड कि आपको सीए फाइनल में भी ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त मार्क्स थैंक यू आए, सर, थैंक ठीक है ना, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड आपको यू कुछ भी सर, हेल्प लगे, आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, श्योर सर, एंड श्योर सर, आई विल श्योरली ट्राई टू हेल्प यू, ठीक है ना। थैंक्स मच थैंक यू गाइस, सर, थैंक एंड जो जो भी स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं, ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा है। एंड आप अंश से कुछ भी अगर सवाल पूछना चाहते हैं, आप जरूर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं अंश को बोलूंगा कि वो रिप्लाई करे आप सबको, ठीक है। चलिए, श्योर थैंक यू सो श्योर मच, एक्स मैन, अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का थैंक यू, ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स मेरा कुछ भी नहीं। थैंक्स मच गाइस, बाय बाय, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।